Hello, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start our new book SST by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean Journeys in Social Studies Class 2. Today we will start chapter number 1 and the name of our chapter is My Family, Mera Parivar. Hum sab family mein rehte hain. Family kya hoti hai? परिवार वो घर जिसमें माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं उसे फैमिली कहते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सम एंड सब्सटेंस. इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे, फैमिली रिलेशनशिप, फन विद द फैमिलीज और हम पढ़ेंगे केयरिंग एंड शेयरिंग के बारे में. Before we start the chapter, first we have to do one question. Name the persons with whom you live at home. आप घर में जिन लोगों के साथ रहते हैं आपको क्या करना है? उनके नाम लिखने हैं दिए हुए blanks में. Now we will learn about family. Family क्या होती है? A family is a group of people who are related to each other and live together अंडर वन रूफ. परिवार वो होता है जिसमें बहुत सारे लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन एक दूसरे से क्या होता है, उनका कोई ना कोई संबंध या रिश्ता होता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ फैमिली. फैमिली अलग अलग तरह की होती है. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फैमिलीज. चार तरह की फैमिलीज होती हैं. सम फैमिलीज आर स्मॉल वाइल सम आर लार्ज. छोटा परिवार होता है और कुछ बड़ा परिवार होता है. इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स अ फैमिली हैज. और फैमिली छोटी है या बड़ी है ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है कि फैमिली में जितने लोग रहते हैं उससे पता चलता है. इंटरप्रिटेशन द वर्ड न्यूक्लियर फैमिली वॉज फर्स्ट यूज्ड इन 1947. न्यूक्लियर फैमिली वर्ड कब यूज़ हुआ था? सबसे पहले यूज़ हुआ था 1947 में. फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? इन अ न्यूक्लियर फैमिली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस. वो परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे एक साथ एक ही घर में रहते हैं. सच फैमिली इज नोन एज न्यूक्लियर फैमिली. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट्री फैमिली. उसको न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं और क्या कहते हैं? एलिमेंट्री फैमिली भी. बिग फैमिली बड़ा परिवार. इन सम फैमिलीज चिल्ड्रन लिव टुगेदर विद देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. सच अ फैमिली इज कॉल्ड बिग फैमिली. वो परिवार जिसमें बच्चे अपने माता पिता और दादा दादी के साथ रहते हैं उसे हम बिग फैमिली कहते हैं. इंटरप्रिटेशन अ न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर. नाउ वी विल लर्न अबाउट जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली. जॉइंट फैमिली क्या होती है? चलिए बताती हूँ आपको. इन सम फैमिलीज Children live with their parents, grandparents, aunt, uncle and cousin. Such large family living under one roof is called a joint or extended family. वो परिवार जिसमें बच्चे अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी और उनके बच्चों के साथ रहते हैं. देखिए वो परिवार कितना बड़ा होता है, इसीलिए इनको जॉइंट फैमिली या फिर हम एक्सटेंडेड फैमिली भी कहते हैं. द मेंबर्स ऑफ फैमिलीज हैव अ सरनेम. फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनका क्या होता है? सरनेम होता है. इट इज़ कॉमन टू ऑल द फैमिली मेंबर्स. सभी फैमिली मेंबर्स का कॉमन होता है. जैसे किसी का नाम है राजीव गुप्ता, उसकी वाइफ का नाम है पूजा गुप्ता, बच्चों का नाम है प्रणव गुप्ता, साक्षी गुप्ता, अजय गुप्ता, तो सब में क्या कॉमन है? गुप्ता वर्ड. तो वो क्या है? उनका सरनेम है.
Some common surnames are Sharma, Goyal, Garg, Jain and Kohli. Now we will learn about single parent family. वो family जिसमें single parent होते हैं, या तो माता होती है या फिर पिता होते हैं. In some families, a child lives with only one parent, either father or mother. Such families are known as single parent family. देखिए, मैंने अभी बताया था ना, सिंगल पेरेंट फैमिली वो होती है जिसमें बच्चा या तो अपनी माता के साथ रहता है या फिर पिताजी के साथ रहता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट फैमिली रिलेशनशिप. इन अ फैमिली एवरीवन इज रिलेटेड टू अनदर. परिवार में हर लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं. A member of a family, especially one who does not live with the family, is known as relative. वो लोग जो परिवार के साथ नहीं रहते वो कौन होते हैं, relatives होते हैं, जो दूर के होते हैं. होते तो हमारे परिवार से ही जुड़े हुए, जिन्हें हम रिश्तेदार कहते हैं. Our mother and father are our parents. हमारे माता पिता कौन हैं, हमारे parents. Our brother and sister are our siblings. हमारे भाई बहन क्या लगते हैं, हमारे siblings लगते हैं. The parents of our father and mothers are our grandparents. हमारे माता पिता के माता पिता क्या लगते हैं, हमारे grandparents, जिन्हें हम दादा दादी या फिर नाना नानी कहते हैं. The brothers of our mother and father are our uncle. पापा के भाई चाचा लगते हैं, ताऊजी लगते हैं. और मम्मी के भाई क्या लगते हैं, हमारे मामा. तो क्या लगे वो, हमारे अंकल्स. द सिस्टर ऑफ आर मदर एंड फादर आर आवर आंट. पापा की बहन और मम्मी की बहन क्या लगती हैं, हमारी आंट, जिन्हें हम बुआ और मौसी कहते हैं. द चिल्ड्रन ऑफ आर अंकल्स एंड आंट आर आवर कज़न. हमारे चाचा चाची, मामा मामी और ताऊ ताई जी के बच्चे क्या लगते हैं, हमारे कजन्स लगते हैं, चचेरे या ममेरे भाई बहन. फन विद फैमिली. हम अपने परिवार के साथ मौज मस्ती भी करते हैं, छोटे छोटे ऐसे ओकेशंस मनाते हैं जब परिवार एक साथ इकट्ठा होता है. तो चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में. वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर एज अ फैमिली. परिवार में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं. आर फैमिली मेक्स आर हाउस अ होम. परिवार मकान को क्या बनाता है, घर बनाता है. आर पेरेंट्स फुलफिल आर नीड्स, सपोर्ट अस एंड हेल्प अस टू ग्रो. हमारे माता पिता हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं और बढ़ने में, जीने में हमारी मदद करते हैं. फैमिली मेम्बर्स लव एंड केयर फॉर ईच अदर. परिवार के सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं. दे हेल्प एंड टेक केयर ऑफ वन अनदर. वी सेलिब्रेट स्पेशल डेज लाइक बर्थडे, एनिवर्सरीज एंड फेस्टिवल्स टुगेदर. जन्मदिन, शादी की सालगिरह और त्यौहार परिवार एक साथ मनाता है. वी इन्वाइट आर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड इन्जॉय पार्टी एट होम. वी ऑल्सो हैव फन टुगेदर. और हम अपनी फैमिली की जो पार्टीज़ होती हैं उसमें अपने रिश्तेदार और दोस्तों को बुलाते हैं. समटाइम्स वी इंजॉय वॉचिंग स्पोर्ट्स ऑन टेलीविज़न विद फैमिली. कई बार क्रिकेट का बड़ा इंटरेस्टिंग मैच आता है तो किसके साथ देखना अच्छा लगता है, हम अपने परिवार के साथ देखते हैं और उसे इंजॉय करते हैं. वी गो टू अ पिकनिक और ऑन वेकेशंस विद फैमिली. जब आपकी गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं या सर्दियों की, तो आप कहाँ जाते हैं, अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं ना, तो उससे भी क्या होता है, फन होता है, मज़ा आता है. केयरिंग एंड शेयरिंग. द मेंबर ऑफ अ फैमिली टेक केयर ऑफ ईच अदर. परिवार के सदस्य एक दूसरे की देखभाल करते हैं. पेरेंट्स टेक केयर ऑफ ऑल नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन. माता पिता बच्चों की ज़रूरत का ध्यान रखते हैं. दे अर्न मनी फॉर द फैमिली. वो परिवार के लिए पैसा कमाते हैं. आप सबके पापा काम पर जाते हैं, कुछ मम्मीज भी काम पर जाती हैं, तो किस लिए जाती हैं, ताकि वो परिवार के लिए पैसा कमा सके. चिल्ड्रन शुड ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम.
बच्चों को भी घर पर माता पिता की मदद करनी चाहिए। पेरेंट्स फील प्राउड व्हेन देयर चिल्ड्रन हेल्प देम। पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे उनकी मदद करते हैं। वी शुड ओबे एंड रिस्पेक्ट आवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स। हमें अपने दादा दादी नाना नानी और माता पिता का आदर करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। नाउ टाइम टू लुक ओवर। अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर अंडर वन रूफ। इन अ फैमिली एवरीवन इज रिलेटेड टू ईच अदर। परिवार में सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मेंबर्स हु डू नॉट लिव विद द फैमिली आर नोन एज रिलेटिव। वो लोग जो फैमिली के साथ नहीं रहते वो क्या कहलाते हैं? रिलेटिव, रिश्तेदार कहलाते हैं। द सिस्टर ऑफ आर मदर एंड फादर इज आर आंट। पेरेंट्स टेक केयर ऑफ ऑल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। पेरेंट्स बच्चों की ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। आर फैमिली मेक्स आर हाउस अ होम। हमारा परिवार मकान को क्या बनाता है? घर बनाता है। नाउ एस्टिमेशन कॉर्नर। तो बच्चों आपने चैप्टर को पढ़ा, चलिए अब उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड चार ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन को चुनना है। नंबर वन, अ न्यूक्लियर फैमिली वॉज फर्स्ट यूज इन। न्यूक्लियर फैमिली पहले कब यूज हुई थी? 1927, 1937, 1947 या 1957? वो यूज़ हुई थी 1947 में। नंबर टू, अंकल सन इज नोन एज। चाचा या मामा का बेटा क्या कहलाता है? हमारा कज़न, सिस्टर, ब्रदर या सिबलिंग, वो कहलाते हैं हमारे कज़न। नंबर थ्री, द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हैव। फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनका क्या होता है? यूनिक नेम, जनरल नेम, सर नेम या नन ऑफ दीज? तो उनके होते हैं सरनेम। डैश फील प्राउड व्हेन देयर चिल्ड्रन हेल्प देम। कौन प्राउड फील करता है जब उनके बच्चे उनकी हेल्प करते हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पेरेंट्स। नंबर फाइव, डैश अर्न मनी फॉर द फैमिली। परिवार के लिए पैसा कौन कमाता है? तो परिवार के लिए पैसा पेरेंट्स कमाते हैं, माता पिता कमाते हैं। नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग हेल्प ऑफ। आपको खाली स्थान को भरना है और क्या दिया हुआ है आपको? हेल्प बॉक्स। नंबर वन, सिस्टर ऑफ आर मदर आर नोन एज। मम्मी की बहन क्या कहलाती है हमारी? तो सही ऑप्शन है आंट। हम यहाँ लिखेंगे AUNT, आंट। डैश फैमिली इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री फैमिली। कौन सी फैमिली को एलिमेंट्री फैमिली भी कहते हैं? तो सही ऑप्शन है न्यूक्लियर। तो हम यहाँ लिखेंगे NUCLEAR, न्यूक्लियर। नंबर थ्री, सम फैमिलीज आर डैश वाइल सम आर डैश। कुछ फैमिलीज कैसी होती हैं? कुछ फैमिली स्मॉल होती हैं और कुछ फैमिली लार्ज होती हैं, छोटा और बड़ा परिवार। नंबर फोर, वी डू अ लॉट ऑफ फन थिंग्स टुगेदर एज अ। हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। किसके साथ करते हैं? फैमिली के साथ। अ फैमिली इन विच चिल्ड्रन लिव विद आइदर फादर और देयर मदर इज कॉल्ड डैश फैमिली। कैसी फैमिली होती है जिसमें बच्चा या तो अपनी मम्मी के साथ रहता है या पापा के साथ? वो होती है सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली। नाउ एक्सरसाइज सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। अंकल एंड आंट कैन नॉट लिव इन अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में अंकल और आंट नहीं रहते। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रहते हैं। यू एंजॉय स्पोर्ट्स एंड टेलीविजन विद योर फैमिली। हम फैमिली के साथ टीवी देखना और स्पोर्ट्स देखना इंजॉय करते हैं। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नंबर थ्री, ब्रदर्स ऑफ आर मदर और फादर आर आर अंकल। माता पिता के भाई हमारे अंकल लगते हैं।
This statement is also true. Number 4, surname is common to all the family members. सभी फैमिली मेंबर्स में कॉमन होता है सरनेम. यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. बिल्कुल सही है. नंबर 5, फ्रेंड्स ऑफ अ फैमिली आर रिलेटिव. फ्रेंड्स दोस्त परिवार के रिश्तेदार होते हैं. नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन डी यू विल डू बाय योरसेल्फ. So my dear student, in this chapter you have learnt about family. We have learnt about different type of families and many more things we have learnt in this video. I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.